मैंने ये कहा आप जाइए ना जाके मुख्यमंत्री जाके बात हम लोग रखते हैं वो करिए बड़ी शिष्टाचार पर बात रखी है मैंने तो ये गलत आपने अभी उनका फोन है हमारे पास उनका मतलब बड़ी शिष्टाचार पर बात रखी हमारी और आपने गलत किया हमारे देव परदिन परेशान है उनको सुना जाए आप बात कर रहे हैं ना आप अपनी नेतागिरी करो हम उसके नहीं मना करते हैं चढ़ जाते हैं अरे नंदू भैया लाते बड़े अच्छे से बात रखी है मैंने उन्होंने भी चलिए जो खदाने बाधित एरिया है उसको चालू करवा जिससे परमिट लोगों को मिले। आज भी सैकड़ों गाड़ी बगैर परमिट के जा रही, कोई पूछने वाला नहीं है। गाड़ियां बंद कर दी जा रही है, व्यापारियों की ऐसी कैसी है, गाड़ी 3-3 महीने का प्लान सीज कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज बात करूंगी उनसे और इसको समझूंगी कि कारण क्या है। यहाँ से जो जाता है, कुछ लोग इधर की कहते हैं, कुछ लोग उधर की कहते हैं, लखनऊ जाते हैं तो यहाँ भी सुबह से यही चल रहा है। तो अब जरा मैं बैठती हूँ जाकर के, मुझे 1-2 घंटे का समय अधिकारियों से वार्ता का मिले। मैडम 140 खदानों पे एनजीटी लगा था, 10 खदानें इसमें चल रही हैं, किस कारण से चल रही है? मैं जाके बात कर रही हूँ, आज मैंने सुबह अधिकारी बुलाए थे। अब हर बात को इस तरह से हम जब तक पूरी तरह से हम उसमें प्रामाणिकता ना ले लें तब तक हम आपको कैसे। प्रभारी मंत्री अर्चना पांडे जी से मुलाकात करके अपना प्रत्यावेदन उनको हम लोगों ने दिया है। कभी पोल्यूशन विभाग, कभी खान विभाग, कभी जिला प्रशासन, किन्हीं कारणों से 45 वर्षों से चला आ रहा उद्योग को आज मरणशाय की स्थिति में एकदम बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है, बंद कर दिया गया है। काफ़ी यहाँ पे राजस्व की भी क्षति हो रही है। सोनभद्र जनपद आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, सारे व्यवसायी यहाँ से पलायन हो रहे हैं। रोजगार के काफ़ी दिक्कत आ जाने से यहाँ के मजदूर जो हैं बिल्कुल यहाँ से चले जा रहे हैं और नक्सली बाहुल्य क्षेत्र से बंद पड़ा हुआ है। हम लोग प्रत्यावेदन दे रहे हैं। 30/7/2018 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने के अध्यक्षता में एक बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी, जिसमें कि 5-6 बिंदुवार पे समस्या का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया था। आज तक उन बिंदुओं पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया, नहीं तो कोई नई खनन नीति। बंद है, डीएम को इतना आदेश है कि डीएम अपने आदेश से सारे खदान व्यापार को बंद कर देगा। हमने कहा क्या नाम है कि खदानें जो बंद है, डीएम जो 5,000 आदिवासी भूखे मर रहे हैं, जो है डीएम इसका देनदार है। डीएम के नाम पे अपना मनमानी खदानें बंद कर दे रहा है, प्लांट बंद कर दे रहा है, लोग रोजगार बंद कर दे रहा है, आदिवासी। अगर मान लीजिए आप लोग की बात नहीं आएगी, आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, अनशन करेंगे। आज मंत्री जी से क्या आश्वासन मिला आप लोग? मंत्री जी ने कहा मैं डीएम से आज बात करूंगी, जिला मुझे के नाम है, डीएम से ये किसी भी अधिकारी से बात करने का मौका नहीं दिया था। हमने कहा आपको मौका नहीं दिया जाएगा, क्या व्यापारी को मौका दिया जाएगा? आप डीएम से बैठ के बात कीजिए और प्लांटों को तुरंत खुलवाइए। अगर प्लांट नहीं खुलते हैं और ये काम नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और प्लांट खुलवा के रहेंगे। आज बात करूंगी और इसको समझूंगी कि कारण क्या है। यहाँ से जो जाता है, कुछ लोग इधर की कहते हैं, कुछ लोग उधर की कहते हैं, लखनऊ जाते हैं तो यहाँ भी सुबह से यही चल रहा है। तो अब जरा मैं बैठती हूँ जाकर के, मुझे 1-2 घंटे का समय अधिकारियों से वार्ता का मिले। मैडम 140 खदानों पे एनजीटी लगा था, 10 खदानें इसमें चल रही हैं, किस कारण से चल रही है? मैं जाके बात कर रही हूँ, आज मैंने सुबह अधिकारी बुलाए थे। अब हर बात को इस तरह से हम जब तक पूरी तरह से हम उसमें प्रभारी मंत्री अर्चना पांडे जी से मुलाकात करके अपना प्रत्यावेदन उनको हम लोगों ने दिया है। कभी पोल्यूशन विभाग, कभी खान विभाग, कभी जिला प्रशासन, किन्हीं कारणों से 45 वर्षों से चला आ रहा उद्योग को आज मरणशाय की स्थिति में एकदम बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है, बंद कर दिया गया है। काफ़ी यहाँ पे राजस्व की भी क्षति हो रही है। सोनभद्र जनपद आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, सारे व्यवसायी यहाँ से पलायन हो रहे हैं। रोजगार के काफ़ी दिक्कत आ जाने से यहाँ के मजदूर जो हैं बिल्कुल यहाँ से चले जा रहे हैं और नक्सली बाहुल्य क्षेत्र है सोनभद्र जनपद। क्या आपको उम्मीद है इस सरकार से कि आगे कार्रवाई होगी? आप लोग 4 महीने से बंद पड़ा हुआ है, हम लोग प्रत्यावेदन दे रहे हैं। 30/7/2018 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने के अध्यक्षता में एक बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी,
जिसमें कि 5-6 बिंदु वार पे समस्या का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया था। आज तक उन बिंदुओं पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया, नहीं तो कोई नई खनन नीति ला पाए। खदाने बंद है, डीएम को इतना आदेश है कि डीएम अपने आदेश से सारे खदान व्यापार को बंद कर देगा। हमने कहा क्या नाम है कि खदाने जो बंद है, डीएम जो 5,000 आदिवासी भूखे मर रहे हैं, जो है डीएम इसका देनदार है। डीएम के नाम पे अपना मनमानी खदाने बंद कर दे रहा है, प्लांट बंद कर दे रहा है, लोग रोजगार बंद कर दे रहा है, आदिवासी। अगर मान लीजिए आप लोग की बात नहीं मानी जाती, आप लोग क्या करेंगे? बात नहीं मानी जाएगी, आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, अनशन करेंगे। आज मंत्री जी से क्या आश्वासन मिला आप लोग? मंत्री जी ने कहा मैं डीएम से आज बात करूंगी, जिला मुझे के नाम है, डीएम से ये किसी भी अधिकारी से बात करने का मौका नहीं दिया था। हमने कहा आपको मौका नहीं दिया जाएगा, क्या व्यापारी को मौका दिया जाएगा? आप डीएम से बैठ के बात कीजिए, प्लांटों को तुरंत खुलवाइए। अगर प्लांट नहीं खुलते हैं और ये काम नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और प्लांट खुलवा के रहेंगे। रिपेयरिंग तभी सर, ऐसा केबल बनने में टाइम लगता है सर। ठीक बच रही हो सर, NTPC पास ऑलरेडी अवेलेबल है। NTPC हमारा सबसे बड़ा सेक्टर संभल लिया, इसमें तो NTPC का जल्दी हो जाएगा सर, जो है हमारी प्लानिंग है सर। जी सर, और अगर ऐसे करेंगे हम लोग उसको तो आप लोगों के केबल को भी केबल के लिए आप पर्ची ऑर्डर प्लेस करेंगे या मैक्सिमम मिनिमम क्या? हम चाहते हैं कि शॉर्टेज पीरियड में आ जाए, 2 महीने हमारा टारगेट है कि 2 महीने में हम 9-10 को ले आएंगे 2 मशीन को, और फिर जो है करीब 60 दिन में मतलब तीसरी मशीन भी हमारी आ जाएगी, 9-10-11 तीनों आ जाएंगे हमारे लिए। इसमें भी नुकसान नहीं होगा, केबल क्या है 9-10-11-12-13 पूरा कंबाइंड है सर, केबल के लिए सर जो सर आप कहीं भी आग लगेगी सब जगह फैल जाएगा सर, जो यही एक ड्रॉबैक है। अब देखिए सर, घुसने कहीं जगह नहीं है, कुछ नहीं है, धुआं भर गया, कोई जा ही नहीं पा, दिखाई नहीं पड़ा सर। अभी तो आप देखेंगे आगे तो और भी कल दिखाई पड़ेगा, पूरा पूरा इधर देखिए, पूरा केबल है, पूरा जाल है केबल का, और केबल जब आग पकड़ता है पूरा सुलगता है, समझिए ना, पूरा मैक्सिमम 3 महीने। जी 3 महीने हम रिस्टोर कर लेंगे मैम, जो टॉप प्रायोरिटी होगा, दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि अभी खर्चे का आकलन नहीं हुआ है, ऐसा ना, इससे नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है? हमारा पूरा इंश्योर्ड है, हमारा पूरा टोटल इंश्योर्ड है पूरा, तो हमको मिलेगा पैसा, क्लेम मुझे मिलेगा, तो ऐसा तो लॉस हमको नहीं होगा, क्योंकि BHL के जो सामान है वो भी इंश्योर्ड है, हमारा भी सामान करीब 21-22 करोड़ का हमारा इंश्योर्ड है पूरा, जो है ना पूरा इंश्योरेंस होता है हर साल, करीब 50 लाख प्रीमियम देते हैं हम जो है कंपनियों को, तो हमें क्लेम मिलेगा हमें जो है, लेकिन जो हमारा जनरेशन लॉस हो रहा है वो हमारा लॉस हो रहा है। जी जो हमारा जनरेशन लॉस हो रहा है, सबसे चीपे सबसे सस्ती बिजली थी हमारी, जो है सस्ती बिजली थी, हमको महंगा खरीदना पड़ेगा, तो वो हमारा लॉस है। अब हमको सब हम करीब 550-600 मेगावाट हम दे रहे थे, तो इतना बिजली खरीदने में हमारा करीब 3-3.5 रुपये पड़ रहा था, तो कॉस्ट करीब 10-11-12 रुपये खरीदेंगे, तो इतना बहुत लॉस हमारा, बहुत बड़ा नुकसान है प्रदेश का। जी जी